सब लोग कहते हैं बारिश में भीगना बहुत अच्छा लगता है भाई, किसी की मत सुनना। जो कहता है उसको कहने दो, उसको कहो भाई तू जाओ और तू ही वो सारे मजे ले, मेरे को नहीं लेने हैं। अभी मैं आया था बारिश में घूमने के लिए, लेकिन आते ही हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वापस मैं जा भी नहीं सकता, क्योंकि मैं आते संग ही भीग गया था। तो अभी छाता लेके बैठ गया, लेकिन इतनी ठंडी हवा आ रही है भाई साहब, क्या ही बोलूं। और ऊपर से आप भीगे हुए हो तो बात ही छोड़ दो भाई। अभी आया था खेतों में, सुबह सुबह नहीं आ पाया था क्योंकि सुबह से आपको बताऊंगा 3 दिनों से इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है भाई साहब, क्या बोलूं यहाँ तो। और आज आया था सुबह नहीं, अभी तो लगभग 10 बजने वाले हैं, खेतों में आया था। लेंस ख़राब हो चुका है, कोई बात नहीं, मेरी आवाज़ आनी चाहिए आपकी तरह, क्योंकि लेंस बार बार साफ नहीं कर सकता। कैमरा में नहीं लाया हूँ, अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, तो जितना भी ऑडियो आ रहा है, जितना भी जैसा भी वीडियो आ रहा है, बस आपकी और पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी नहर के बिल्कुल बाजू में खड़ा हूँ। ओ भाई इतना ख़राब लेंस कैसे हो सकता है, आपको सब दृश्य डबल डबल, ओ भाई साहब मिरर इमेज दिख रही है, ऐसा लेंस लगाना चाहिए कंपनी वालों को भाई, ये नेचुरल फिल्टर कहते हैं इसको, नेचुरल फिल्टर। तो अब मैं लेंस साफ नहीं कर सकता, लेकिन बता सकता हूँ आपको कि मैं फटाफट यहाँ से निकलने वाला हूँ, फटाफट घर की ओर जाने वाला हूँ, लेकिन मेरे पापा आएंगे तब। अब मेरे पापा कब आएंगे भाई, 10 मिनट लग सकते, 20 मिनट लगते, आधा घंटा, एक घंटा, जितना भी टाइम लग सकता है, मैं यहाँ पर बैठ के उनका इंतज़ार करता रहूँगा। वो आएंगे तब मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, यहाँ से खड़ा भी नहीं होने वाला हूँ भाई साहब। इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है, इतनी तो ज़्यादा ठंड सर्दियों में भी नहीं लगती, इतनी ज़्यादा ठंड। ओह चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, क्योंकि आपको देखने में बहुत दिक्कत हो रही है, लेंस ख़राब हो चुका है। मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ से वीडियो छोड़ कर भाग जाओ, तो चलिए मिलते हैं। हमारे गाँव के एक जंगल में और बाजू में नहर है, आपको पता ही होगा हमारे गाँव में से एक नहर जाती है। अब आपको दिखा दूँ कि अभी ना जस्ट 2 दिन पहले हमारे गाँव से गया एक साइक्लोन, तो वो आपको दिखाने वाला हूँ। साइक्लोन यहाँ से चला गया, लेकिन आपको दिखाऊं कि हमारा गांव यहाँ पर है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा बादल, आपको इस तरीके से दिखाई दे रहे होंगे जैसे कि बिखरे पड़े हो, क्योंकि यहाँ बारिश नहीं हो रही है। हमारे गांव में भी छुटपुट बारिश हो रही है। और यहाँ से इस जहाँ पर मैं आप दिखा रहा हूँ वहाँ पर है अहमदाबाद, तो उस एरिया से आप पूरा देख सकते हो पूरे बादल के घेरा हुए, यानी कि हमारा गाँव ना जो साइक्लोन है वहाँ से अंतिम छोर पर है ये साइक्लोन। मुझे लगता है या आज बारिश होगी या फिर चली जाएगी, कल शायद बारिश हो सकती है क्योंकि क्लाउड इस तरफ आ रहा है। तो नहीं आई ये साइक्लोन, आगे चला गया, रुका नहीं, आगे चला गया तो बारिश नहीं होगी। साइक्लोन रुक जाता है तो बारिश हो सकती है। अब इस वाले इलाके की कोई गारंटी नहीं है कि बादल नहीं है, तो मेरे हिसाब से बारिश आज या कल या परसों हो सकती है, या मानसून है तो शायद बारिश हो सकती है, वरना ऐसे बादल तो नहीं दिखा दे रहे। लेकिन क्योंकि 4 दिनों से बारिश हो रही थी तो आज एकदम खुला है, तो वहाँ पर उस इलाके में नहीं होगी बारिश, क्योंकि वहाँ पर इलाके से नीचे आप जाते हो तो कपड़वन शुरू हो जाता है, और हमारे गांव से यहाँ पर जाते हो तो अहमदाबाद आता है, और यहाँ पर ना राजस्थान बॉर्डर आ जाती है आगे से, क्योंकि पहले हिम्मतनगर आता है, लेकिन इससे आगे जाते हो तो राजस्थान बॉर्डर। हालाँकि क्लाउड से आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि ना आपको बॉर्डर चेक करनी है तो यहाँ से नहीं चेक कर सकते, बॉर्डर चेक करनी है तो आपको क्लाउड से ही पता चल सकता है, कि क्योंकि क्लाउड नज़दीक नहीं होते। क्लाउड मेरे हिसाब से वो क्लाउड होगा तो भी काफ़ी दूर ही होगा, तो मैं इसलिए राजस्थान बॉर्डर कह रहा हूँ। तो ये वाला बॉर्डर आपको दिख रहा होगा वो अहमदाबाद का है, और एकदम काले घने बादल है, तो बारिश मेरे हिसाब से आएगी आएगी। तो बस आज तो यार खास मैंने कुछ ब्लॉग बनाया नहीं, क्योंकि आज मैं अपनी मम्मी को लेके गया था, अभी जस्ट आधे घंटे पहले लेके गया था बैंक में, तो बैंक में थोड़ा सा काम था उनका, क्योंकि उनका फिंगरप्रिंट नहीं आ रहा था, आधार से लिंक नहीं था, तो मैंने 1 महीने पहले करवा लिया था, 1 महीने नहीं 15 दिन पहले करवा लिया था। तो आज देखने के लिए गए थे कि हाँ हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन हाँ फाइनली हो चुका है, वो मेरे लिए खुशखबरी की बात है। लेकिन आज मैं एक्शन कैम लेके नहीं गया था, ना मेरा मन था कि ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि बार बार यही हो रहा है कि डेटा थोड़ा सा लॉस हो रहा है। डेटा लॉस नहीं मैं कहना चाहूँगा, मेरे पास इतना इंटरनेट नहीं होता है कि मैं एक रोज़ डेली एक ब्लॉग अपलोड कर सकूँ। मुझे एक दिन ब्लॉग अपलोड करना होता है, दूसरे दिन मैं एडिट करने के लिए बैठ जाता हूँ, या फिर उस दिन मैं ब्लॉग बनाता हूँ। आज मैं ब्लॉग अपलोड नहीं करूँगा, आज सिर्फ ब्लॉग बनाऊँगा और एडिटिंग करूँगा। कल ये वाला ब्लॉग 1 दिन पहले आप देख सकते हो, मैं आज ही एडिट कर रहा हूँ, तो कल आपको देखने को मिल जाएगा। तो बस अभी जा रहा हूँ खेतों में, नहर में पानी आ चुका है, आपने कल वाले ब्लॉग में नहीं देखा होगा तो जाइए, या जन्माष्टमी का बढ़िया मस्त ब्लॉग डाला है चैनल पर जाइए, और आपको वो वाला 2 ब्लॉग तो देखना चाहिए, और मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से अच्छे ब्लॉग दिखाने की। तो बस हमारे गांव में ऐसा जंगल है, और हाँ इसका भी मैं एक फुल वीडियो लाने वाला हूँ, ब्लॉग वीडियो, तो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो अभी से चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर दो इस वाले वीडियो को। अब तक देखा है ना भाई, तो कमेंट करके बताएं कि आप कहाँ से दिख रहे हो,
यहाँ लोगों ने कचरा फैलाया है। कचरा मत फैलाओ, पानी के अंदर कचरा नहीं फैलाना चाहिए, पानी प्रदूषित मत करो। मैं थोड़ी देर यहाँ बैठता हूँ क्योंकि अच्छी खासी हवा चल रही है, तो मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है, सुकून लग रहा है, तो चलिए थोड़ी देर आराम करता हूँ। मेरे लिए देखिए गाँव में नहर है तो मज़ा ही मज़ा है भाई। यहाँ बैठा था आधे घंटे से, वीडियो एडिट कर रहा था, और देखिए मैंने कहा था कि यहाँ से बादल आ रहे हैं, सूरज जग चुका है और मुझे लगता है थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी शुरू। मुझे यहाँ पर जाना है, मेरा जो खेत है वहाँ पर है और गांव यहाँ पर है। यहाँ अभी भी बादल नहीं है, इतने ज़्यादा नहीं है, शायद बारिश हो सकती है थोड़ी बहुत। अभी चॉकलेट खाई है मैंने, तो बुरा ऐसा कमेंट मत कीजिए कि कुछ डाला है मुँह में। तो बादल आ चुके, बारिश हो सकती है, होगी तो मैं दिखाऊँगा। अभी वीडियो एडिट शुरू करता हूँ फिर से। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो बहुत सारे बादल आ रखे थे। तो गाइस मैंने कहा था कि तेज़ बारिश आने वाली है, तो मुझे खेत में से भागना पड़ा और सीधा घर पे आके शूट कर रहा हूँ। बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है गाइस, बहुत तेज़। अभी लगभग 10-15 मिनट ही हुई है मैं वहाँ पर था, अभी शूट किया था तब तो, और अभी देखिए, ओ भाई साहब, तो बारिश का सीन कुछ ऐसा होता है, कब आ जाए कब चल जाए कुछ पता नहीं चलता। बस आपको अंदाजा रखना पड़ता है कि कहाँ कितने बादल है। और आज घर पे बनने वाले हैं न्यूट्रेला वड़ी। क्या कर रहे हैं? तो प्रिंस ने बनाया कुछ मोटर से, आरसी मोटर से कुछ बनाया, क्या बनाए? और बैंक से अभी लाइट, रात को क्या करेगा? अभी सुन, ओए रात से रात लग लाइट चली जाएगा तो क्या करेगा? पंखों नहीं चालू करो ना रातें, हाँ रात्रि पंखों नहीं चालू करो ना। और ये सुहानी शू छे विंडू विंडू क्या थे? हम तो यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर बैठ कर ना वीडियो एडिट कर रहा हूँ। यहाँ पर ये मेरा टेबल है, मैं यहाँ वीडियो एडिट करता हूँ, यहाँ थोड़ी देर बैठ जाता हूँ। यहाँ पर होम थिएटर लगा हुआ है और ये सिलाई मशीन, यहाँ पर अभी प्रिंस को खेल कूद कर रहा है, और यहाँ पर मैं रख कर अपना जो कैमरा वहाँ लगा कर यहाँ पर लगा कर वीडियो एडिट कर लेता हूँ। तो अभी कैमरे से शूट नहीं कर रहा, अभी मोबाइल से शूट कर रहा हूँ। आज मैंने कैमरे से कुछ भी शूट नहीं किया है, लगभग एक दो ही क्लिप कैमरे से शूट की, बाकी सब मोबाइल से शूट किया है। तो थोड़ी क्वालिटी डिक्रीज हो गई होगी, लेकिन कल से मैं पूरा ब्लॉग कैमरे से शूट करने वाला हूँ। अरे फटाफट जितना भी वीडियो शूट किया है एडिट कर देता हूँ। गाइस ये दूसरा दिन है और अभी मैं आया खेत में, और जस्ट मैं अभी किनारे पे बैठा हूँ, पानी थोड़ा सा कम हो चुका है, और किनारे के बाजू में हमारा खेत है, घर पर चौली लगी हुई है। तो कल ना बारिश होने के बाद मैंने वीडियो बंद कर दिया था, आपने दिखाई होगा, और मैंने सोचा था दो दिनों का अच्छा ब्लॉग बनाएंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते क्योंकि आज ब्लॉग अपलोड करना है। अब मैं हफ्ते में लगभग 4 ब्लॉग अपलोड करता हूँ, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन व्लॉग अपलोड कर ही देता हूँ। अभी देखिए बारिश का पानी आ रहा है, तो कुछ ना कुछ साथ में लेके आ ही रहा है। क्या है भाई, कुछ तो है भाई, लेकिन अच्छा लग रहा है, बहुत ठंडी हवा लग आ रही है। और पानी लेके आया था, इतना ही, ज़्यादा पानी नहीं लेके आया था, ज़्यादा अपना लगती नहीं है प्यास। तो ये हमारा खेत है और यहाँ पर लगी है चौली, अपना बाइक वहाँ पर लगा दिया मैंने। तो बस आज का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है, आपको दो दिनों का इकट्ठा ब्लॉग मिल जाएगा। थोड़ा सा काम था क्योंकि मेरे पापा बाहर गए थे, तो मेरे को आना पड़ा खेत में। खेत में काफ़ी खुला है और आसमान भी आज खुला हो चुका है, बादल है लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है। तो बारिश की प्रेडिक्शन तो क्या ही करूँ, जब बादल अच्छे खासे आ जाएंगे तो मैं अच्छे से बोल सकता हूँ कि यहाँ बारिश आ सकती है। लेकिन यहाँ देखिए भाई असली मज़े ये है, पक्षियों की आवाज़,
खेतों में भाई ऐसी गाड़ियां भी चलती है।